हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, हम लोग का भाई लोग इधर सेटिंग कर रहे हैं। ये खुदरी है, ये देखिए, ये छोटा छोटा जो दाना है उबला दिया है, कोई काम का नहीं है, उसको अलग कर रहे हैं। जो ज़्यादा गीला है, ख़राब हो गया है, उसको अलग, वो भी बलदिया में जाएगा। ये देखिए कैसे सेटिंग कर रहे हैं। सूखा हुआ, ख़राब हुआ, छोटा दाना हुआ, ये सब बलदिया में जाएगा। बाकी अच्छा दाना, ये देखिए, ये सब अच्छा वाला दाना है। देखो ये बढ़िया दाना, ये देखिए, दाना देखो प्लीज, ये देखिए। खजूर तो बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा हवा हो गया इस बार, इस साल खजूर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, इस टाइप का खजूर अच्छा होता है, एक नंबर, इसको एक नंबर बोला जाता है। कंपनी में भी ऐसे ही वाला अलग करता है। बड़ा बड़ा है दाना, देखिए, ये खुदरी है। भाई लोग इधर सेटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। इधर सब चारों तरफ बॉक्स लगा है, सब बॉक्स में खजूरी खजूर है। ये देखिए हमारा राम अवतार भाई इधर सेटिंग कर रहे हैं, फैजाबाद का है। ये देखिए खजूर का दाना बड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा हवा हो गया इस साल। ऊपर वाला का देने भाई, कभी अच्छा होता है, कभी थोड़ा ख़राब भी होता है। हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग तो बस मेहनत करते हैं, बाकी ऊपर वाला का देन है, अच्छा होना नहीं होना। नहीं रामोतर भाई, हाँ दोस्त, ए माल बहुत मीठा है भाई, इतना मीठा है कि क्या बतावे दोस्त, बड़ा बड़ा खाओ। देखिए खजूर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा पूरा गर्म कर दे, देखने में भी अच्छा लगे। इस टाइप का खजूर बहुत अच्छा है, ये एक नंबर इसको कहा जाता है। फैक्ट्री में भी ऐसे ही वाला अलग करता है, बाकी अलग करता है सब। उधर दो तीन वैरायटी निकालता है कंपनी पर, कंपनी भी हम ही लोग का है, अपना ही कंपनी है। ये देखिए सेटिंग कर, अगर आप लोग भी खुदरी हार्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा जो गीला है बॉक्स पे थोड़ा थोड़ा डालिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, फिर ज़्यादा डाल दोगे तो बॉक्स पर। माल पूरा हीरा है, हीरा हीरा। ये खजूर सब हम लोग हाथ से पोलिनेशन नहीं किए थे हम लोग, पर्यावरण हम लोग ये मशीन से किया था। हम लोग पोलिनेशन सब मशीन से लगाया हुआ था इस बार, लेकिन दाना बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा बड़ा ऐसा। अगले साल से हम लोग का जितना भी खुदरी है सारे में मशीन से ही पोलिनेशन करेंगे। ये देखिए ऐसा सूखा हुआ सब ये बलदिया में जाएगा। हम लोग को बलदिया किसको बोलते हैं, सऊदी में बलदिया बोलते हैं, जो ख़राब कचरा वाला है इसको हम लोग बलदिया बोलते हैं। देखिए ऐसा वाला निकालते हैं हम लोग सब। और आप लोग यह देखिए, ये हाफ है, आधा लाल आधा पका हुआ, ये एक दो दिन में फिर पक जाएगा। ये देखिए इसको अलग रखना चाहिए, ये एक दो दिन में फिर पक जाएगा, आधा लाल आधा पका हुआ, ये दो तीन दिन के बाद में पूरा काला हो जाएगा पककर। तो आप लोग मत फेंकिए, ऐसा वाला अलग रखिए, अच्छा वाला अलग रखिए, एक दो दिन के बाद ये पक जाएगा, फिर आप इसको बेच सकते हो। दूध में गरम करके पियो तो भैया फिर क्या कहना, पूरा ताकत आ जाए शरीर में। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।